नमस्कार, स्वागत है आपका बुक ऑडियो में। आप सुन रहे हैं मुझे यानी सुमन रावत को। एक बार फिर से हाजिर हूँ मैं, इस बार लेकर एक कहानी संग्रह रेलवे स्टेशन की कुर्सी, जिसे लिखा है गुलशेर अहमद ने। इस कहानी संग्रह की पहली कहानी है मस्जिद या मंदिर। सूरज की पहली किरण ने उस कमरे में अपनी रोशनी फैलाई। तब दानिश की पत्नी ने दानिश के माथे को सहलाते हुए माथे पर एक बोसा दिया। उठो, सुबह हो गई है, आज ऑफिस नहीं जाना क्या? उसकी पत्नी ने कहा। दानिश अपनी करवट बदलकर बिना कुछ कहे सो गया। अरे अब उठ भी जाओ, नाश्ता तैयार है, उसकी पत्नी ने फिर रसोई घर से आवाज दी और फिर अपने मुंह में ही कहने लगी, दो बच्चों के बाप हो गए हो लेकिन अभी भी बच्चों की तरह उठाना पड़ता है। कुछ ही देर में दानिश रसोई घर में था। उठ गए जनाब, सुबह हो गई है आपकी, दानिश ने कुछ भी नहीं कहा, एक मुस्कान के साथ अपनी पत्नी का माथा चूम लिया। उसकी पत्नी ने आंखें बंद कर ली। आज तुमको ऑफिस नहीं जाना क्या, दानिश ने कहा। उसकी पत्नी ने झूठ का नाराज होते हुए कहा, इन सब कामों से छुटकारा मिले तब तो, बाई तो है ही, तो क्यों रसोई घर में घुसी रहती हो? दानिश के लिए काम करना उसकी पत्नी को अच्छा लगता था और पूरी कोशिश करती थी कि वो हमेशा उसके लिए खाना बनाए। प्लीज बच्चों को उठा दो ना, उसकी पत्नी ने कहा। ठीक है, कहते हुए दानिश रसोई से चला गया। दानिश एक सच्चा मुसलमान था, अपने उसूलों पर अपनी जिंदगी बसर करने वाला। उसकी एक खूबसूरत बीवी और दो प्यारे बच्चे थे, एक भरा पूरा परिवार, अच्छी सी नौकरी। वो एक आम से इंसान की तरह खुशी की जिंदगी जी रहा था। वो हर सुबह उठता, अपने बच्चों के साथ हंसता खेलता व अपने दफ्तर के लिए तैयार होता और बच्चों को भी स्कूल के लिए तैयार करता। उसकी पत्नी इतने समय में इनके साथ ही हंसते खेलते बातें करते कुछ शिकायतों के साथ नाश्ता तैयार कर देती। वो अपनी जिंदगी में खुश था, लेकिन वो जिस दफ्तर में काम करता था वो दफ्तर उसे दो राह पर खड़ा कर दिया करता था। सूर्य सिंह, जो कि एक नौजवान व्यक्ति था, उसने अपना एक काम निकलवाने के लिए दानिश को रिश्वत देने की पेशकश की थी। पैसों की बात सुनकर उसके पैर वहीं जम गए। वो सोचने लगा, उसको अपने घर की कितनी ही जरूरतें सामने नजर आने लगी। उसने अपने सारे वसूलों को भूलकर रिश्वत ले ली। सूर्य सिंह का काम हो गया और वो आगे बढ़ गया। जब हम कोई ऐसा काम करते हैं जिस पर हमारा दिल राजी नहीं होता, तब हमें अंदर ही अंदर दर्द और तकलीफ होती है। दानिश अब दर्द और तकलीफ में था। दानिश को ये रिश्वत लेना अब बुरा लग रहा था। उसे अपनी जरूरतें याद आई, लेकिन साथ ही उसे अपने कामों के वसूल और ईमानदारी भी याद आई। ये भी कि इतने सालों से उसके घर का सारा खर्च उसकी ही तनख्वाह से तो चल रहा था। उसने आज तक कभी रिश्वत नहीं ली थी और आज लेने के बाद उसके कदम उसका साथ नहीं दे रहे थे। वो बहुत खामोश होकर सोचता रहा और इस सोच ने उसके पसीने छुड़ा दिए। वो डर गया। वो अपनी स्कूटर चालू करके अपने घर के रास्ते पर चल पड़ा। वो खुद से नाराज था, उसे पछतावा था, उसकी आंखों में मोटे मोटे आंसू थे, वो रो रहा था। रिश्वत एक ऐसा कीड़ा है जिससे इंसान को लगता है कि वो बहुत खुश है और तरक्की कर रहा है, लेकिन ये इंसान के जमीर को अंदर ही अंदर खा रहा होता है और इतना कमजोर और खोखला बना देता है जिसकी भरपाई उसकी आने वाली पीढ़ी को भी करनी पड़ती है। ये अलग बात है कि इसको पहचानना मुश्किल होता है। जब वो घर पहुंचा तो उसकी पत्नी ने दरवाजा खोला। उदासी और पश्चाताप उसके चेहरे पर साफ झलक रहा था। क्या बात है, ऑफिस में कुछ हुआ क्या, उसकी पत्नी ने पूछा। एक कप चाय बना दो,
उसने कहा और अपने कमरे में चला गया। उसकी पत्नी ने 2 कप चाय बनाई और दोनों साथ बैठकर पीने लगे। उसने सारी बात बताई। उसकी पत्नी ने उसे समझाया कि उसे ये नहीं करना चाहिए था। जानता हूं यार, तभी तो मुझे बुरा लग रहा है, उसने थोड़ा उलझन में चिड़चिड़ाते हुए कहा। तुम उसे बेहतर जानते हो तुम्हें क्या करना है, तुम उसे बेहतर जानते हो तुम्हें क्या करना है, उसकी पत्नी ने कहा और चाय के कपों को लेकर रसोई में चली गई। उसने पश्चाताप करने का निश्चय किया। उसने निश्चय किया कि वो सारे पैसों को दान कर देगा, फिर उलझन में फंसा कि ये पैसे कहाँ दान करें। ये पैसे दानिश के पास थे तो इन पैसों को मस्जिद में दान करें, या फिर ये सूर्य सिंह नाम के हिंदू व्यक्ति का है तो मंदिर में। ये पैसे हिंदू के हैं या मुसलमान के। इन्हीं उलझनों में वो एक मंदिर के सामने रुका। उसने ये तय किया कि वो ये सारे पैसे मंदिर के दान पेटी में डाल देगा। वो आगे बढ़ा कि पास ही की मस्जिद से उसके कानों में अजान की आवाज़ पड़ी। वो रुक गया। वो पहले रिश्वत लेकर परेशान था और अब दान करने में मंदिर और मस्जिद में। उसने कुछ देर फिर सोचा और निश्चय किया कि ये सारे पैसे वो मंदिर में दान कर देगा और अपनी गुनाहों की माफी के लिए इतने ही पैसे अपने पास से वो मस्जिद में भी देगा और आगे की जिंदगी में कोशिश करेगा कि ऐसे गुनाहों को दोबारा ना दोहराए। जब इंसान किसी पर आस्था रखता है या विश्वास करता है तब उसकी सारी इंद्रियां उस तरफ आकर्षित होने लगती है। इंसान की आस्था उसे एक दायरे में बांध कर रखती है। उसने ऐसा ही किया। अब उसे शांति मिल रही थी, वो सुकून महसूस कर रहा था। वो महसूस कर रहा था कि उसे एक बहुत बड़ी बोझ से आजादी मिल गई है। कोई इंसान अपनी पीठ पर बोझ लिए जिंदगी खुशी खुशी गुजार सकता है, लेकिन वो कभी भी अपने दिल में बोझ लिए खुश नहीं रह सकता। तो आप सुन रहे थे गुलशेर अहमद द्वारा लिखित कहानी संग्रह रेलवे स्टेशन की कुर्सी से मस्जिद या मंदिर। जल्द हाजिर होंगी इसी किताब से लेकर एक और कहानी। तब तक सुनते रहिए बुक ऑडियो।